की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशंस के बारे में। तो इफ कंडीशंस में मल्टीपल नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इफ तो हम जान चुके हैं, हम नेस्टेड इफ के बारे में जान बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे नेम देता हूँ। तो मेरे पास मान लीजिए कि कुछ लिस्ट है, मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। और यहां पे मुझे रिजल्ट देना है, रिजल्ट देना है पास और फेल। कैसे करेंगे इसके लिए, चलिए इसके कोडिंग लिखते हैं। यहां से इंसर्ट मॉड्यूल्स, हेलो सर परमिशन दीजिए ना नीरज जी। यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा या फिर यहाँ पे इफ वन के नाम से देते हैं, इफ अंडरस्कोर वन। और यहाँ पे देते हैं लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू। अब यहाँ पे मैनुअली काउंट देता हूँ, बट आप अपने हिसाब से काउंट करते हैं। जो बताया था हमें 2 से 10 तक चलाना है, यहाँ पे 2 और नेक्स्ट। हेलो आवाज आ रही सर? हेलो यस सर आ रही सर। यहाँ पे dim r as a हमने किया रेंज, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ठीक है, बात बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट वन कॉमा सब्जेक्ट टू कॉमा सब्जेक्ट थ्री कॉमा सब्जेक्ट फोर एज ए रेंज नहीं, एज ए मैं लॉन्ग दे देता हूँ, क्योंकि नंबर है ना, एज ए लॉन्ग। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ कि एस वन इक्वल टू रेंज बी के साथ हम कंबाइन करते हैं डॉट वैल्यू आई को, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट 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 कर देता हूँ चार बार। यहाँ पे हमारा एस टू हो जाएगा और बी के जगह पे यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे एस थ्री हो जाएगा और यहाँ पे एस फोर हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। हमने पहले वैल्यू को लोड कर लिया, लोड इसलिए कर लिया ताकि हम इफ लगाएं तो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने इसको लोड कर लिया। अब इसमें सब कंडीशन ये है कि रिजल्ट में करना है कि हर सब्जेक्ट के अंदर ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे पास देना है, हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30 है तो पास देना। तो इसके दो तरीके हैं, पहला है एंड के साथ कि f s1 is greater than equal to 33 and s2 greater than equal to 33 s3 greater than equal to 33 and s4 is greater than 33। माफ कीजिएगा हम इसमें एंड लगाना भूल गए, एंड और यहां भी हम एंड दे देते हैं, राइट। उसके बाद यहां पर हमने दिया दैट, और रिजल्ट में हमने बोला, हम इसी को ले लेते हैं कॉपी पेस्ट इक्वल टू फेल। लेकिन हम फेल कहां करेंगे, ई नहीं एफ के ऊपर, माफ कीजिए पास हो गया। और
हम फिर एल्स देंगे, फिर इसमें एल्स क्या है? तो यहां हम एल्स में देंगे कॉपी और यहां पे फेल, इसलिए माइक जो शोर आ रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए। और ये हमारा रिजल्ट। अब मैं इस माइक्रोन को अगर जाता हूं अपने एक्सरसाइज में और यहां डेवलपर में माइक्रो और इसको रन करता हूं, ये देखिए पास और फेल आपके सामने, राइट। अब मैं थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसमें भी 32 कर देता हूँ, 33 था सर, इसमें मैं 34 कर देता हूँ, 34 और इसमें 36, 22। अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे पास 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 आ गया। एक तो हम यहाँ पे एंड मेथड लगाया, जो आपने देखा कि एंड मेथड से आपका हो गया। अब एंड मेथड के बाद अगला ऑप्शन क्या होता है चलिए बताते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाए, नेस्टेड इफ से। अब नेस्टेड इफ से देखिए कैसे होता है। यहां से मैं इस इफ को हटाता हूं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें दूंगा कि इफ एस एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो ये दूसरी कंडीशन पे जाए, दैन इफ एस टू इज यहां इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 दैट। अब मैं ऐसे अलग अलग करके दे रहा हूं कि इस तरह से आप मत कीजिएगा, मैं इसलिए करूंगा कि आप समझ सके कौन किसके अंदर में। एस थ्री इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 दैट, एंड इफ S4 is greater than equal to 33 that। अब आपने देखा कि मैंने यहां पे चार if लगाए आपके सामने, हमने कितने किए चार if लगाए। तो अभी क्या होगा कि पहला if चेक करेगा अगर S1 33 हुआ तो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, दूसरा चेक करेगा अगर हुआ तो तीसरे को, तीसरे चेक किया तो हुआ चौथे को। अब चौथा में मुझे रिजल्ट देना है तो मुझे यहां पे अब रिजल्ट में यहां लिखना होगा एफ इक्वल टू पास, क्योंकि हम पास होने के चांसेस एक बार एल्स, और एल्स में हमने यहां पे कॉपी किया और यहां पे हम देखते हैं टेस्ट, ये हो जाएगा हमारा फेल। और जितना इफ लगा है उतना बार मुझे स्कोर एंड इफ करना होगा, एंड इफ। इसलिए मैंने आपको इफ से रिलेटेड वीडियो भेजा था देखने के लिए, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जो एल्स वाला पार्ट है वो हर इफ के अंदर लगाना होगा, जितने इफ उतने हम एल्स का पार्ट लेंगे। यहां पे एल्स, और एल्स में हमने दिया रेंज एफ, एफ के साथ कंसिडर हुआ आई डॉट वैल्यू इक्वल टू। अब मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि एस थ्री में सब्जेक्ट थ्री में फेल हुआ है, राइट। एंड यहां पे एड्रेस, ऐसे मुझे यहां पे अब दो इफ का दे दिया हमने। अब हम आपका चौथा इफ तीसरा इफ हो गया और हमारा दूसरा इफ, तो यहां पे हम देंगे एल्स, एल्स में हम देंगे रेंज यहां पे एफ, एफ के साथ हमने आई को कंसिडर किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल, और यहां पे एंड। और फिर अगेन इफ एस, यहां पे इफ नहीं सॉरी एल्स होगा ना, एल्स और यहां पे रेंज
समझ में आ रहा है कि नहीं सर आप लोगों को? और यहां पे हमने कर दिया एंड केस एंड। अब आप बोलेंगे सर इतना झमेला क्यों हुआ, हम तो यहां सिंपल कर चुके थे। तो यहां देखिए एंड का यूज कब होता है, जब कई सारे कंडीशन पे हमें एक रिजल्ट पास या फेल दे। देखिए हर कंडीशन के साथ रिजल्ट चेंज होता है, जैसे यहां पे देखिए कि हमारा फेल दिख रहा है आपको चेंज हो रहा है, हमारी मर्जी है, हर किसी एल्स में हर किसी अलग का हम दे सकते हैं। तो वहां पे हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं फिर बता दूंगा। एक ही नाम के दो मार्क हो नहीं हो सकते, इसको चेंज करना होगा, टू करना होगा। अब मैं इसको रन करता हूं। तो इस मैथ में किसी को डाउट है? नो सर। सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं एंड की, सो और की। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरे पास ऐसे ही आईडी प्रूफ चेक करने के लिए, आईडी प्रूफ चेक करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है डेटा, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पैन वोटर, इसके बाद यहाँ पे डीएल पासपोर्ट ऐसे। अब यहाँ पे मुझे एक यूआईडी और यहाँ पे स्टेटस, हमने स्टेटस राइट। अब जिसमें दिया हुआ है उसमें यहाँ वाई करीब किया हुआ है, किसी में एक से ज्यादा किसी में है ही नहीं, इस तरह से दिया हुआ। अब मुझे यहाँ पे स्टेटस भी ओके या पेंडिंग करना है, क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम पहले तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। कैसे करते हैं? अब इस मेथड में हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि पैन, यहाँ पे डीएल, यहाँ पे पासपोर्ट, यहाँ पे वोटर, वोटर यहाँ पे यूआई एज ए लॉन्ग नेम और क्या होगा एज ए स्ट्रिंग होगा क्योंकि टेक्स्ट। और यहां भी मैं चेंज कर देता हूँ S1 कर देता हूं पैन पासपोर्ट वोटर और यहां पे मैंने दे दिया डीएल पैन पासपोर्ट, यहां पे डीएल हो जाएगा। अरे मम्मा हुआ यार इधर आओ। उसके बाद बोला इसमें एक हुआ उल्टा हो गया, पासपोर्ट पैन पासपोर्ट डीएल होगा इसका वोटर हो गया। ठीक है सीक्वेंस यही है ना हमारा डेटा का, देखिए पैन अच्छा यहाँ उल्टा है पैन वोटर डीएल पासपोर्ट पैन वोटर डीएल पासपोर्ट पैन पैन डीएल वोटर डीएल पासपोर्ट वोटर नहीं नहीं सही है पैन डीएल पासपोर्ट पैन के बाद वोटर है। हाँ उल्टा कर दिया पैन वोटर डीएल पासपोर्ट एनीवे पासपोर्ट। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अब यहीं पे हम इफ का कंडीशन लगाएं। देखिए मैं इसी को एडिट कर देता हूं, इफ पैन इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए बड़े छोटे का फर्क है, याद रखिए यहां पे अगर कैपिटल स्मॉल लेटर है तो यहां भी स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब ये तो पंगा हो गया, अब जोड़ी थोड़ी है कि स्मॉल लेटर ही होगा, यहां वाई भी हो सकता है ना, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम इसे यहां पे यू केस लगा देते हैं, यू केस, और यहां
फॉर्मूला है जो कि अपर केस में कन्वर्ट करता है. और यहां पे भी कमांड करते हैं और यहां ऑल्सो यू केस वाई केस इसको और यहां भी हम कर देते हैं यू केस वाई केस और यहां भी हम कर देते हैं यू केस वाई केस और यहां ई के जगह पे हमारा एफ हो जाए. अब यहां पे हमें यहां पे बड़े लेटर में लिखना पड़ेगा इस तरह से. अब बार बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना ये भी थोड़ा सा टीडियस जॉब है ना सर. तो हम क्या करेंगे ऊपर में डिम वाई एज ए स्ट्रिंग और यहां वाई इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में मैं वाई दे देता हूं बड़ा कैपिटल. अब यहां पे आसानी होगी सर. तो यहां पर मैं बोला इफ वाई इक्वल टू थ्री टैन इक्वल टू वाई और वोटर इक्वल टू वाई और डीएल इक्वल टू वाई और पासपोर्ट इक्वल टू वाई ए वाई वेरिएबल हमने ऊपर दिया हुआ है और यू आई डी इक्वल टू वाई दैट यहां पे ओके आएगा ओके और यहां पे पेंडिंग आएगा. ठीक है सर. अब मैं इसको रन कर पाया देखिए नाम के दो माइक्रो हो गए तो चेंज करना पड़ेगा इसको थ्री करना पड़ेगा. अब यहां पे देखेंगे रन करते हुए थ्री को रन किया ना स्टेटस देखिए स्टेटस जो है ओके इसमें ही आ गया ना सर. यहाँ एफ हमने यहाँ पे जी तो किया नहीं हमें यहाँ पे जी कर देना चाहिए था एफ. और यहाँ पे हमने आ गया सर. अब इसी को हम नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे. नेस्टेड इफ में यहां इसमें लगेगा एल्स इफ. देखिए कैसे होगा एल्स इफ से इफ फोर करता हूं मैं बाकी सब कुछ सेम रखता हूं ये सब कुछ सेम रहेगा लूप वगैरह बस मैं यहां इसको चेंज कर देता हूं. तो यहां पर क्या करूंगा कि इफ वाई इक्वल टू मान लीजिएगा टैन टैन इक्वल टू वाई देन मुझे यहीं पे रिजल्ट देना है रेंज जी के साथ कंबाइन किया आई डॉट वैल्यू इक्वल टू ओके समझे. और फिर हमने यहां पे एल्स दिया एल्स इफ कि यहां पे हमने बोला कि वोटर इक्वल टू वाई दैट समझे एल्स इफ हो गया यहां पे. अगर पहला इसमें ऊपर वाले में क्या था इसके ऊपर वाले में एक इफ को अगर ट्रू हुआ तो दूसरे इफ को फॉलो करेगा अदरवाइज सीधे एल्स पे आ जाएगा. यहां पे क्या था कि इसमें इसमें क्या है कि अगर एक इफ अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट देके बाकी नीचे के सारे कंडीशन को इग्नोर कर देगा अगर नहीं हुआ तो दूसरा इफ चलेगा जस्ट अपोजिट. अब मैं यहां पे वोटर की जगह पे मैं करता हूं यहां पे डीएल डीएल इक्वल टू आई देन ओके वापस हम एलसी करते हैं और डीएल की जगह पे देते हैं पासपोर्ट और फिर यहां पे हम देते हैं ओके. ठीक है फिर इसके बाद हम देते हैं यहां पे पासपोर्ट की जगह पे यूआईडी देन यहां पे देते हैं पास
अगर कुछ नहीं हुआ देन हम यहाँ पे एल्स देंगे और यहाँ पे देंगे पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पेंडिंग होने का एक ही चांस है, ये आपका कहलाता है एल्स एल्स। समझ गए? किसी को डाउट इस एल्स इफ में? तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग रन होगा। ओके, अब यहां पे मैं और भी दे सकता हूं, इससे ओके हो गया, तो मैं यहां पे जैसे बोल सकता हूं कि पैन, इस तरह से अलग अलग रिजल्ट भी दे सकता हूं, क्योंकि और में हम नहीं दे सकते, ठीक है? इसलिए इस नेस्टेड इफ का यूज होता है, राइट सर? तो ये हमारा नेस्टेड इफ से रिलेटेड एग्जांपल था जो कि मैंने आपको दिया। अब आप इसको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, अपने हिसाब से चीजों पे। अगली क्लास में हम आपको लास्ट इफ की क्लास देंगे, जिसमें हम आपको ग्रेडिंग सिस्टम, इंसेंटिव्स एंड टेस्ट के बारे में बताएंगे, राइट सर?